हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है आलू की कतली। तो मोस्ट वेलकम माय चैनल कुकिंग विद उज़्मा। तो आज गाइस मैंने दो आलू लिए हैं और इनको इस तरह से गोल शेप में काट लिया है। आलू की कतली के लिए थोड़ा सा अदरक इस तरह से काटा है, दो तीन हरी मिर्च ली है मैंने, मिर्च, हल्दी और एक चम्मच में जीरा लूंगी टेस्ट के अनुसार, नमक। तो गाइस मैंने एक प्याज लेकर उसे तेल में इस तरह से फ्राई किया है, आप देख सकते हैं। जब से कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इसमें जीरा डालूंगी। इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। ये देखिए अब इसमें एक चम्मच जीरा ऐड करूंगी। और ये जो मैंने डाला था, जो मेरा काटा है बारीक अदरक, ये इसमें फिर डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी। इस तरह से मैं इसमें ये सब मिर्च पूरी ऐड करूँगी और उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अतली ऐड कर कर इसमें इसमें नमक डालूंगी टेस्ट के अनुसार। फ्रेंड्स मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालूंगी, अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये बहुत ज्यादा टेस्टी होती है और झटपट रेडी हो जाती है। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी इसमें ताकि गल जाए, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूंगी क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये देखिए इस तरह से अब इसे दो मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी। तो फिर इसे मैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालूंगी आधा चम्मच। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर कर हमें कम से कम इसे थोड़ी स्लो फ्लेम पर इसको कम से कम दो मिनट के लिए बनाऊंगी ताकि अच्छी तरह से गल जाए। तो फ्रेंड्स मेरी कतली रेडी है, आप देख सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। देखिए बड़े तो खा ही लेते हैं लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्ट इसमें अच्छा लगेगा टेस्ट, और ये पसंद करेंगे। आप इसे खा सकते हैं,
पूरी से, पराठे से, रोटी से। तो आप भी प्लीज इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करें। आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं चाहें तो, वरना स्किप कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, झटपट रेडी भी हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो जो मेरे चैनल को देखता है, मेरी वीडियो देखता है। तो फ्रेंड्स, मेरी रेडी हो चुकी है कतली खाने के लिए, मैंने सर्व कर ली है। आप देख सकते हैं, देखिए नाइस कलर है इसका, खाना भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। और आपको मैंने बताया है एकदम रेडी हो जाती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। तो इंशाल्लाह मैं न्यू रेसिपी के साथ फिर कल हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।